नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सभासद के चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चलें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी के साथ बनारस और चंदौली के कई पूर्व विधायकों और सांसदों ने जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से टिकट मांगने गए तो टिकट मिलना तो दूर, उन्हें 12 से लेकर 24 घंटे तक इंतजार के बाद भी मुलाकात तक नहीं हुई। इन्हीं नाराज नेताओं में वाराणसी शहर उत्तरी से सपा के पूर्व विधायक रहे हाजी अब्दुल समद अंसारी का पिछले विधानसभा में टिकट काटकर अशफाक अहमद डब्लू को दे दिया गया। पार्टी के इस फैसले से नेताजी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है तो निकाल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक ने डब्लू भाई से अपने पुराने रिश्तों और उनके 50 लाख के राज को भी कैमरे पर खुलासा करते हुए रिश्तों की बुनियाद को तार तार कर दिया है। देखिए क्लाउन टाइम से खास बातचीत में सपा के पूर्व विधायक ने दो टूक शब्दों में बताया कि बनारस में समाजवादी पार्टी में कौन है गद्दार जिसके इशारे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस के समर्पित कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं उपेक्षा। पूर्व विधायक ने इस बात का भी खुलासा किया है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में क्या हश्र होने वाला है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी। समद जी, पिछले बार विधानसभा का चुनाव हुआ था और आपके शहर उत्तरी से अशफाक अहमद डब्लू चुनाव लड़े थे, आप उस चुनाव में पूरी तरह निष्क्रिय रहे, उनकी हार का कारण क्या और आपकी निष्क्रियता कारण क्या रहा? सन 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ाया गया, उस चुनाव में हमको टिकट नहीं दिया गया तो हमने जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि यदि मेरा चुनाव में सक्रियता या मेरी ड्यूटी पार्टी को आवश्यकता होगी तो जहां लगाएंगे वहां हम काम करेंगे। चूंकि हमारी पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि हम लोग बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। जब जिम्मेदारी नहीं दी गई तो हमने अपने आप को अपने घर में ही महफूज समझा और चुनाव में कहीं हम नहीं गए, ये सच है। समझ, हम बड़ा सवाल ये है कि अभी सभासदी का चुनाव आने वाला है और अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, उसमें आप बड़े खुल करके पार्टी के गतिविधियों के बारे में, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, उनकी कार्यशैली पर आपने कड़ा एतराज जताया था, वो नाराजगी के कारण क्या है? और अगर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली हार से अगर चेतेंगे नहीं तो क्या हश्र होने वाला बनारस में सभासदी के चुनाव में? नहीं, बैठक में कल हम लोगों ने समीक्षा बैठक थी यहाँ बनारस चुनाव नगर निकाय के संबंध में, विधायक श्री मनोज पांडे जी को प्रभारी बनाया गया है, इनके साथ सह प्रभारी के रूप में विधायक एक वर्मा जी हैं और एक भदोही के विधायक जाहिद बेग साहब हैं, तीनों लोग आए हुए थे और सभासद से संबंधित प्रत्याशियों का और मेयर से संबंधित प्रत्याशियों का चयन हेतु सर्किट हाउस में बैठक थी। उसमें आवेदक भी थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे और सबने अपने अपने विचार रखे। जब मेरा नंबर आया तब हमने भी अपने विचार से उनको अवगत कराया कि सन 2017 के अंदर जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी जिन नेताओं को दिया था उन्होंने यहाँ ज़मीन पर कोई काम नहीं किया और सपा के जो मूल कैडर थे, जो अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया, टिकट को बेचने का कार्य किया गया।
समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम कोई कर रहा था उस समय, तो यहाँ के जो वर्तमान उस समय के अध्यक्ष थे, सीधा नाम बताइए कौन थे, राजकुमार जायसवाल यहाँ के अध्यक्ष थे। उनकी कोर कमेटी में जो लोग थे उसमें कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत करीबी लोग भी थे, और सब ने मिल के उस समय जो है गलत तरीके से टिकट बांटा, जिसके लिए बेचा गया, बेचने कितने का बेचा गया टिकट बेचा गया या गलत तरीके से दिया गया, अब बेचने की तो बात हम नहीं कह रहे हैं, मगर घाल मेल किया गया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी बनारस में नगर निगम में बहुत कमजोर हो गई थी। और उसमें खास तौर से हम लोग भी सभासद थे, 2001 में हम सभासद थे, 2006 में हम सभासद थे, मगर हमारे अपने सीट का जो सन 1995 से जो सीट हमारे पास है उसका प्रतिनिधित्व हमने किया था, और हमारे बाद हम लोग जिसको लड़ा रहे हैं वो भी आज तक सभासद हैं, और उन सीटों का भी टिकट काट दिया गया था। सरैया की मौलवी रियाजुद्दीन साहब थे, बहुत सीनियर थे, कई बार के सभासद थे, उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे कई एक 6-7 साथियों का टिकट काटा गया, और इस विकट परिस्थिति में भी उन सब साथियों ने चुनाव लड़ा और निर्दल के रूप में जीत के समाजवादी पार्टी की सेवा की। और अब फिर चुनाव आ गया है, उन्हीं गलतियों से अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो हम मजबूत होने का कहीं हमको दिख नहीं रहा है। हमने इसलिए अपने पर्यवेक्षक महोदय से कहा कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो नेता ज़्यादा हो गए हैं, कार्यकर्ता कम हैं। कार्यकर्ता तो समाजवादी पार्टी का चाहता है कि ये पार्टी मजबूत हो, मगर जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। कौन नेता, हम आपको यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं, लक्कड़ पहलवान हैं, महानगर अध्यक्ष शर्मा जी आपके हैं, तो ये दो लोग उसके अलावा कौन लोग हैं जो कि आपकी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं? कई लोग हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ नेता अपने आप को बहुत करीबी बताते हैं, उनको विधानसभा का भी टिकट चाहता है, पार्लियामेंट का भी टिकट चाहता है, अब मेयर का भी टिकट चाह रहा है। और जब समाजवादी पार्टी को वोट देने का नंबर आता है तो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि इसको छोड़ के किसी और को वोट दो, मुसलमान दिखाएगा तो कहेंगे कि बसपा को दो, और हिंदू दिखेगा तो उसे कहेंगे भाजपा को दो। और वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाह में बहुत करीबी हैं, और बहुत अपने आप को जो है हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं, अपने आप को भैया का बहुत करीबी बताते हैं। नेताजी, इसकी वजह से आज ये समाजवादी पार्टी की दुर्गति हुई है। नेताजी, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि वो लोग कौन हैं, उनका नाम क्या है, क्योंकि गोल गोल बात करने से चीज़ें खुल कर नहीं आएंगी। तो वो कौन नेता है जो इस तरह का काम करते हैं? राजकुमार जी के बारे में भी आपने कहा तो भाजपा में चले गए, आपके शत्रु प्रकाश जी भाजपा में चले गए, वो कौन नेता है जो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं? देखिए, अभी आपने बताया कि ये जो दो नाम बता रहे हैं ये लोग भाजपा में जा चुके हैं, और हमने बहुत पहले ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगाह किया था, 2017 के चुनाव से पहले हमने बताया था कि ये वही राजकुमार जायसवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तब मेरी बात नहीं सुनी गई और वो लगातार पार्टी को कमज़ोर करते गए, और आज की डेट में भी जिनको हम लोग बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अगर उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मशवरा करेंगे या उनको अपने आसपास भटकाएंगे तो पार्टी कतई मजबूत नहीं होगी। नाम इसलिए किसी का नहीं लिया जा रहा, इशारा काफ़ी है। अच्छा, राज को राज रहने दो, राज को राज रहने दो। समझ जी, एक बड़ा सवाल है, पिछले विधानसभा चुनाव में अशफाक अहमद डब्लू चुनाव लड़े और इतना बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन इस क्षेत्र में किया, कभी आपके बहुत करीबी हुआ करते थे, आज वो आपसे इतने दूर कैसे हो गए, और उनकी अब तक क्या आपने मदद किया जो अब आप उनसे इतने दूर हो गए, नाराजगी कारण क्या है? कुछ 50 लाख का कुछ मामला बता रहे थे, वो क्या मामला है? देखिए, इनसे हमारी कोई नज़दीकी नहीं थी, ये लोग बड़े बड़े लोगों के साथी हैं। सन 2007 से 12 तक हम विधायक थे, इसी दौरान बसपा की सरकार थी, और अयोध्या से संबंधित एक फैसला आया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो गया था, और
संदिग्ध लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी, उसी के तहत इनके ऊपर यहाँ के तत्कालीन जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा इनको जो है बुलाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय ये नहीं आए, उससे नाराज होकर उन्होंने उनके घर पे छापा मारा, उनको तलाश किया और उनके कर्मचारियों से होटल पे कहा कि अगर वो तत्काल अगर संपर्क में नहीं आते हैं तो जहाँ भी रहेंगे हमको खोज के निकालने का ढंग है और हम निकाल लेंगे। उनके जाने के बाद फिर उनके कुछ साथी उनसे जुड़े हुए थे, उससे पहले मेरा कोई संबंध नहीं था। उनके साथियों ने हमसे संपर्क किया कि ऐसी ऐसी बात है विधायक जी, डीएम साहब बहुत नाराज हो गए हैं, आए थे उनके होटल पे, ऐसे ऐसे कह के गए हैं। तो हमने तत्कालीन जिला अधिकारी से बात की और हमने कहा कि कोई ऐसी बात हो तो बताइए, वो एक शहर के प्रतिष्ठित आदमी हैं और इस तरीके से उनके खिलाफ जो वाणी का आपने इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है, कोई भी तरीके की बात हो तो आप बताइए, उनको हम लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा उनको मेरे ऑफिस भेज दीजिए। तो वो पुलिस लाइन चेदगंज जो पुलिस ऑफिस है, एसपी सिटी जहाँ बैठते हैं, उस कार्यालय में गए और उनको जो है उन्होंने वहाँ डिटेन कर लिया और उन पे चार्ज लगाया कि इनसे शहर का माहौल बिगड़ सकता है। और फिर यह बात जब हमको पता लगी कि वो चेतगंज थाने गए मिलने, उनको बैठा लिया गया है, तब मैंने जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी तत्परता से चेतगंज थाने पहुँच के, पुलिस ऑफिस पहुँच के, वहाँ पे हमने तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, तत्कालीन एसपी सिटी और तमाम अधिकारियों के बीच हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने अगर आपको ये बताया है तो बिल्कुल गलत बात है। फिर भी उन्होंने मेरी बात माना नहीं, उनको छोड़ा नहीं, उनको भेलूपुर थाने पहुंचा दिया और मैंने उनको वहाँ उनके साथ उस समय भेलूपुर थाना इंचार्ज जगमोहन यादव थे और देर रात लगभग 2 बजे रात तक उनके साथ थाने से हमने, जब तक उनको मजिस्ट्रेट की अनुमति से मुचलका भरवा के उनको अपने साथ घर तक उनके हमने पहुंचाया था, वहां से हमारा उनका साथ शुरू हुआ था। फिर सन 2012 के इलेक्शन में हमने इनको पार्लियामेंट हाउस में ले जाके मुलायम सिंह और श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाया था कि इनको जो है अगर बनारस में कैंट विधानसभा से लड़ाया जाए इलेक्शन तो बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे और इनको टिकट भी मिला और इन्होंने वहाँ 38,000 वोट पाया था। और उसके बाद इलेक्शन के बाद उन्होंने वहाँ की उस क्षेत्र की तमाम जनता को कहा कि जो है इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, इस वर्ग ने वोट नहीं दिया, उस वर्ग ने वोट नहीं दिया। उसके बाद उस क्षेत्र से उनका लगाव कम हो गया, वहाँ आना जाना बंद करके बनारस शहर दक्षिण विधानसभा में अपने आप को वहाँ स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे और वहाँ की दावेदारी भी करे थे। मगर उसके बावजूद उत्तरी विधानसभा में उनको आखिरी दिन तथाकथित नेताओं के कहने पर उनको टिकट दिया गया, जो उत्तरी विधानसभा सन 2022 का इलेक्शन लड़ा उन्होंने। समाजवादी पार्टी ने बढ़िया इलेक्शन लड़ा यहाँ और इनके साथ रहने वाले तमाम साथियों ने कहा हम वहाँ विरोध कर रहे हैं, जबकि इनको हमने अपने इस छोटे से साथ में कई अधिकारियों से और कई अच्छे लोगों से मिलवाया था, उसमें एक व्यापारी से भी मिलवाया था। उस व्यापारी ने इनसे जो है अपना जो है कोई प्रोजेक्ट बता के 50 लाख रुपया भी लिया, उसको उन्होंने 50 लाख रुपया दे दिया। मिलवाए हम थे, अब व्यापारी को 50 लाख रुपया दिए। वो काम के लिए दिए थे, अब वो तो काम वही बताएंगे। उस व्यापारी ने जब पैसा लौटाया नहीं काफ़ी दिनों तक, तब इन्होंने बताया कि इसने जो है हमारा 50 लाख रुपया हम दिए थे, हमारा लौटा नहीं रहा है।
तब वो 50 लाख रुपया उसको कई साल के बाद उस व्यापारी ने धीरे धीरे करके लौटाया और सारा पैसा अकाउंट से गया था। तो मेरे मिलवाए हुए आदमी को उसके प्रभाव में आके उन्होंने 50 लाख दिया। अब मैंने तो आज तक उनका उनकी इतनी मदद की और उनसे मदद के नाम पे हमने कुछ लिया ही नहीं। तो उनकी आपने इतनी मदद किया और शहर उत्तरी के प्रत्याशी हो गए वो, तो आप ही का काम तो कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्पित सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, फिर आपकी नाराजगी क्या है? नहीं नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी नाराजगी इस बात, उनसे कोई नाराजगी थोड़ी ना है भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टिकट था, वो जिसको दे दिए वही लड़ा। अब मेरा मन नहीं था उनके लिए काम करना, इसलिए हम अपने आप को अपने घर में समेट लिए। भाई हम तो ये नहीं कह रहे कि हमने उनको उनके लिए काम किया, हम कोई काम नहीं किए। और हम क्यों काम करते? हम उत्तरी विधानसभा में विगत जो है 15 वर्षों से आम जनता के साथ धूल मिट्टी आज तक हो रहे हैं। अभी इलेक्शन खत्म हुआ, आप तो नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं, मगर जनता के साथ हमारा पूरा तो सहयोग है ना। जनता मेरे पास आ रही है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, पुलिस में जाना है, मकान बन रहा है, जेई परेशान कर रहा है, सारा काम हम कर रहे हैं। कहीं जो है कोई खुशी है, कहीं कहीं कोई गम है, हम सब जगह पहुंच रहे हैं। हम तो पहले जैसे काम करते थे अभी भी कर रहे हैं, मगर अब तो जनता कह रही है कि अब तो वो दिखा नहीं रहे। तो वो दिखाने वाले लोग नहीं है, वो बड़े बड़े सिंडिकेट के लोग हैं। उनके समझ जी, एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्र, मान लीजिए वो गड़बड़ आदमी हो सकते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार के टिकट वितरण में, जैसे बनारस के पूर्व सांसद थे जवाहर जायसवाल या तमाम ऐसे सीनियर लोग जब लखनऊ में दरबार लगाए, किसी से मिलते नहीं थे। बड़े बड़े पुराने लोगों की कितनी उपेक्षा हुई, मुगलसराय के बड़े नेता थे, वो गए थे, 24-24 घंटा लोग बैठे रहते थे। आप जैसा समर्पित कार्यकर्ता भी अपनी टिकट की दावेदारी किया था, उसको भी टिकट नहीं मिला। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कार्यशैली है, जो नेताजी, माननीय नेताजी रहे हैं, उनकी कार्यशैली से कितनी अलग है? और एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनसे गलती कहाँ हुई और आपकी सलाह क्या है? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, सभासद का चुनाव आपके सामने है। इन सभी में अगर कामयाबी समाजवादी पार्टी को चाहिए तो क्या फैसला लेना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो यहाँ के लोकल यूनिट के नेता उनके ज़्यादा करीब हैं, उनके गलत फीडबैक से ये रिजल्ट रहा है। और हम समझते हैं कि अगर उसी तरीके के लोग आज भी फीडबैक देंगे तो आने वाले टाइम में भी सुधार होने वाला नहीं है। अब ये बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही तय करनी है कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, हमारी पार्टी जो है हमेशा पहले से अच्छा प्रदर्शन करे। जैसे हमारे नेताजी को जब लोग कहते थे मुलायम सिंह यादव की पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमारे नेताजी हमेशा जब इलेक्शन होता था तो बढ़ चढ़ के उसमें जो है उनकी सीटें आती थी, तो वो प्रमाणित कर देते थे कि उनकी पॉलिसी अच्छी है या ख़राब है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, हमको उम्मीद है कि हमारा आने वाला चुनाव नगर निकाय का भी, उसके बाद पार्लियामेंट का भी, अच्छी पॉलिसी बना के अच्छे लोगों से, अच्छे नेताओं के सुझाव से पार्टी को पुनः बहुत आगे ले जाएंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है प्रदेश से लेके स्थानीय स्तर पर, या परिवर्तन की गुंजाइश अभी है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है कि वो इस चुनाव में, जो पीछे 2022 का चुनाव गुजरा है, उनकी कमियों से सबक लेते हुए और जिस प्रदेश के अंदर तमाम जिले हैं, जिलों के अंदर कौन अच्छे हैं कौन अच्छे नहीं हैं, किसका काम अच्छा है किसका काम अच्छा नहीं है, इसकी पूरी समीक्षा करें और करेंगे, कर रहे होंगे भी। और आने वाले समय में हमारा भी चूँकि संगठन भंग है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे और नया संगठन भी आएगा। और उम्मीद है कि पूरी मुस्तैदी से सन 2022 का नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे और फिर सारे कार्यकर्ता हमारे उतनी ही मुस्तैदी से सन 2024 के पार्लियामेंट की चुनाव की तैयारी भी करेंगे। समझ जी कब सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे? देखिए, समझ जी काम कर रहे हैं और मैं जैसे भी विधानसभा में किए वैसे करेंगे। अभी जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका क्षेत्र में पकड़ है, खासकर आपके उत्तरी क्षेत्र की बात किया जाए, यहाँ सभासद के लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके हैं, जो निर्दल लड़के चुनाव जीते हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया, फिर आप उन्हीं के साथ रहेंगे ना? तो इस बारे में आप सीधा बताइए
कि अगर आपके लोगों को टिकट नहीं दिया गया तो समद अंसारी क्या करेंगे? नहीं, हमारे लोगों को नहीं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के कर्मठ और अच्छे नेता हैं उनको टिकट मिलेगा। उनको टिकट मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे, प्रचार करेंगे, जम के करेंगे। पार्टी का अच्छा वफादार कार्यकर्ता है, उसके साथ हम सब अपने कंधे से कंधा मिलाकर उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और पार्टी विरोधी जो भी लोग हैं, जो काम किए हैं, हमारे ऊपर भी आरोप था। कल की बैठक में हमने अपने पर्यवेक्षक महोदय से स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी बनारस के नेता, जो बड़े नेता हो गए हैं, जो एक सभासद जिता नहीं पाते, वो राय ज़्यादा बड़ी बड़ी दे रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो बता दें, और हमको जो है अगर ये बात कहना हो ऊपर तो हम कह दें कि अगर हम पार्टी के लायक नहीं, काम करने लायक नहीं है तो हमारी पार्टी हमको बाहर कर दें। हम राजनीति में समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं, उससे पहले हमारी दूसरी कोई पार्टी नहीं रही है। यदि हमारी पार्टी को आवश्यकता नहीं लगेगी वो हमको छोड़ सकती है। हम अपने आप को हम कहीं भी स्थापित करने में सक्षम हैं। ऐसा नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति में इन दल बदलू जो नेता हैं, दल बदल के आए हैं, दल बदलुओं से तो हम सावधान रहने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमारा अपना परिवार है, हम लोग वो नेता हैं, और अगर इन नेताओं की ज़्यादा चलती है तो ये जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बता दें, यह बात बता दें, अगर हम इस लायक नहीं है तो हमको बाहर कर दें। इसलिए हमने कल की बैठक में कहा है, एक शेर भी हमने सुनाया, पहले तो ये तय हो जाए कि वफादार कौन है, वक्त खुद ब खुद बता देगा गद्दार कौन है। और उनके लिए एक और मैसेज है हमारा, जो हमारे बारे में गलत सोच रखते हैं ने, उनसे मेरे उनके लिए एक शेर के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि दिल में मेरे गुबार कल था ना आज है, दिल में मेरे गुबार कल था ना आज है, और ये शीशा दागदार कल था ना आज है, समद को बेचकर जो करते हैं ऐश, उनमें ये खाकसार कल था ना आज है। इसलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे नेताओं को भी चिन्हित कर लें जो लगातार गलत फीडबैक दे रहे हैं। समद जी, हम दो बड़े नेताओं का नाम लेंगे बनारस में, एक मनोज राय धूपचंडी जो पूर्व मंत्री हैं, किशन दीक्षित जिन्होंने शहर दक्षिण में इतना जबरदस्त चुनाव लड़ा है, ये दो नेताओं ने पार्टी को कितना मजबूत किया है? देखिए, पार्टी को कितना मजबूत किया है, एक अभी नौजवान उभरता हुआ है जिसने पार्टी को जो है ऐतिहासिक वोटों से रनर अप रहे हैं दक्षिण विधानसभा में, तो उनका प्रदर्शन ही बता रहा है कि वो कितना अच्छा काम किए हैं। और एक वो नेता हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष का करीबी और पूर्व मंत्री और सपा के फाउंडर बता रहे हैं, और जब सपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट की जरूरत होती है तो वो बताते हैं कि किसको वोट कहाँ करना है। तो दोनों नेताओं की क्वालिटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और जिस परात में नेताजी खा रहे हैं ना उसी में छेद किए हैं मौके मौके पे, तो उनके बारे में क्या करना, उनकी कथनी और करनी की पूरा बनारस जानता है। तो आपने इतना पूछा है तो वो भी हमने स्पष्टी कर दे रहे हैं कि अब्दुल समद अंसारी उन नेताओं में नहीं है। हम जिस परात में जिसके साथ खाते हैं उसके साथ जीवन भर निभाते हैं। तो ये रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में बनारस के राजनीतिक समीकरण पर काफ़ी खुलकर बोला है, और इनकी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये अपील है, ये उम्मीद भी है कि अगर पार्टी के स्थानीय नेताओं में ऐसे लोगों को अगर दूर नहीं किया गया जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो आने वाला सभासद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाएगा। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बधाई।